इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, राइट? देखिए, टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स लेना बहुत इजी है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, है ना? सिक्स्थ क्लास से पढ़ते आए कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में। लेकिन जब हम थ्री डायमेंशन को कंसिडर करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट्स लेना और इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम पूरी थ्री डायमेंशनल पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी हम नहीं जान पाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम कोऑर्डिनेट्स लें तो कैसे लें। तो ये क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, राइट? तो सपोज करो, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा इस वीडियो को। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में मैं नेगेटिव भी कंसिडर करके बताऊंगा आपको। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, राइट? ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ पे मान के चलो मैं कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे सपोज कीजिए 2, 3, 4 मुझे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो मुझे 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 4। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे 2 को प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे। तो मैं यहाँ से चला, ये डिस्टेंस है हमारी 0, 1, 2, ये पॉइंट जो है हमारा ये है 2 एक्स एक्सिस पे। उसके बाद वाई पे मुझे प्लॉट करना है 3, राइट? तो मैं वाई पे प्लॉट करूंगा 3। तो मैं वाई से चलूंगा 0, 1, 2, 3, ये मैं वाई से चला, ये क्या हुआ, 3। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से 3 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस के। मैं क्यों पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं उसका रीजन आपको अभी बताने वाला हूं। पहले मैं ड्रॉ कर लूं, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली किसके, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली यहाँ से इस पॉइंट 2 से मैंने वाई एक्सिस पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? अब ये क्यों पैरेलल ड्रॉ की है, पहले मैं आपको इसका रीजन बता दे रहा हूँ। देखो, जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ कंसिडर करते हैं, तो सपोज करो मुझे 2 और 3 को प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए हमारा 2 है और ये हमारा क्या है, 3। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली अपन देखते हैं कि अपने पास जो ग्राफ पेपर भी रहते हैं उसमें अपन बहुत ईजीली प्लॉट कर लेते हैं, है ना? लेकिन उसमें कंसेप्ट क्या यूज़ होता है, उसको आप ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो ये इसके पैरेलल है, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल है, और जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पॉइंट कहलाता है 2 और 3। एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया वही हमारा कोऑर्डिनेट बनता है, मतलब जो हमें पॉइंट चाहिए है वो बनता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ये जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और जो एक्स एक्सिस था वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, राइट? तो ये जो मेरा पॉइंट बना है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 2, 3। ये चीज क्लियर है? ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, 2, 3। और ये पैरेलल, ऐसा आपको लग रहा होगा कि जनरली जब हम ये बनाते हैं, जब टू डायमेंशन में ये बनाते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर दिखता है साफ, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो पेज ही है ये टू डायमेंशनल है, तो इसमें थ्री डायमेंशनल तो बन नहीं सकता, वो सिर्फ इमेजिन हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा ये दिख रहा है, हालांकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे ही है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। ओके, तो हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज़ और कि जब मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया है 2, 3, तो इसका जेड एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप ये बोलो कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और 0। उसका रीजन भी आप ये देख सकते हो, ये किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये आपको मैंने
इधर करके दिखाया है। जनरली हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, लेकिन आप इसको देख लीजिए ड्रॉ करके कि ये कैसे ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ समझ में आई। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें पॉइंट कौन सा प्लॉट करना था, देखिए हमें जो पॉइंट प्लॉट करना था वो पॉइंट था 2, 3, 4। 2 हमने प्लॉट कर लिया, 3 हमने प्लॉट कर लिया, अब हमको प्लॉट करना है क्या, 4 को प्लॉट करना है। अब 4 को कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 डिस्टेंस चलेंगे, मतलब यहाँ से, क्योंकि ये देखिए ये जो पूरा है हम चल तो यहीं से रहे ना, डिस्टेंस तो इसी पॉइंट से ली जाएगी। यहाँ से जेड के पैरेलल हम चलेंगे और जो डिस्टेंस हमारी आएगी है, देखिए यहाँ पे मैं कर भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल। अब मैं यहाँ से डिस्टेंस चलूंगा, ये देखिए ये हमारी 1 डिस्टेंस, ये हमारी 2 डिस्टेंस, ये हमारी 3 डिस्टेंस और ये है हमारी 4 डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ये है जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट पॉइंट कहलाया आपका 2, 3 और 4। इज दैट क्लियर? ये जो पॉइंट पी कहलाया आपका, यही पॉइंट था जो आपको यहाँ पे प्लॉट करना था। अब हम जनरली ये देखते हैं, हमें लगता है ऐसा कि नहीं, ये पॉइंट पी जो है ये तो जेड और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है सिर्फ, तो ये तो एक्स एक्सिस में कर ही नहीं रहा है। तो लेकिन एक चीज़ इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैंने आपको ये करके दिखाया है कि हम कैसे इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, राइट? तो पहले हम क्या करते हैं कि हमने पहले एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देखे और जेड एक्सिस उस टाइम हमारा 0 रहेगा। फिर हमने क्या किया, जेड एक्सिस के पैरेलल हम चले और जितनी डिस्टेंस है हमारी वो हमने ट्रेवल की, जितनी दी गई है उतनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की और ये फाइनल हमारा पॉइंट आ गया। ओके, जनरली ये मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं जेड से 4 यूनिट चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि पॉइंट की डिस्टेंस 4 यूनिट तो यहीं से है ना। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नेगेटिव एक्सिस अगर कोई दी हो, अगर हमें पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।